के कुचन कोवना में स्वागत है। आज का टॉपिक 11 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहां क्लास महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इसका करेक्ट आंसर पवन शेरावत, जो प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जो प्रो कबड्डी लीग PKL के ऑक्शन में तेलुगु टाइटल्स ने 2.60 करोड़ रुपए में पवन शेरावत को खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एशियाई खेलों में 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर, एशियाई खेलों में भारत ने 2023 में 107 एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। अब तक यहाँ सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसका व्याख्यात्मक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया भर में 8 में एक शख्स मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस अर्थशास्त्र श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार 2023 जो अर्थशास्त्र श्रेणी में दिया जाता है, वो किसे दिया गया। इसका उत्तर है हार्वर्ड की प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बनी है। इसका करेक्ट आंसर, डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो पहली भारतीय FMCG कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एशियाई खेल 2023 में हांगुजू चीन में कब आयोजित हुए। इसका करेक्ट आंसर, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक यहां खेल आयोजित किए हुए गए एशियाई खेल। 755 सदस्य भारतीय दल ने भाग लिया और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में हांगुजू में एशियाई खेल 2023 में भाग लिया। इसमें आयोजन में 19वां संस्करण हुआ था, जो एशियाई खेल चीन में हुआ था वो संस्करण 19वां संस्करण और 2023 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन COVID-19 के कारण इसे रद्द कर स्थगित कर दिया गया था, जो अब 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एशियाई खेल 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर, भारत ने एशियाई खेल 2023 में चीन में हुआ उसमें 107 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें भारत के 28 स्वर्ण पदक हैं और 38 रजत पदक हैं, 41 कांस्य सहित पदक हैं। टोटल 107 पदक का रिकॉर्ड हासिल किया अब तक भारत का, पहली बार इतने पदक जीते हैं, जो एशियाई खेल का संस्करण है, जो 19वां संस्करण, जो एशियाई खेल 2023 का संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पत्तालिका में नेतृत्व किया है। इसका करेक्ट आंसर, जो चीन ने पत्तालिका में नेतृत्व किया, जो 200 स्वर्ण पदकों के साथ समग्र तालिका पर शीर्ष स्थान रखा। इसके बाद जापान ने 51 और दक्षिण कोरिया ने 42 स्थान स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया है। जो भारत के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा किस में पदक अपने लाए हैं, शूटिंग में और 7 स्वर्ण पदक, 7 गोल्डन और 22 पदक टोटल हैं, जो एशियाई खेलों में 2023 के भारत के लिए निशानेबाजी अग्रणी खेल था, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक और 22 पदक जीते हैं एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में पहले एशियाई खेलों में भारत की पिछली सर्वश्रेष्ठ पदतालिका क्या थी। इसका करेक्ट आंसर, 70 पदक और जाकार्ता
भारत ने उच्च में 70 पदक जीते थे और जकार्ता ने 2018 में 16 स्वर्ण पदक और 23 रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे। इसी प्रदर्शन से जकार्ता ने 2018 में संस्करण में भारत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जहां उन्होंने 70 पदक और 16 स्वर्ण पदक और 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हैदराबाद के उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग टैंक टेक का क्या नाम है? जो हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हेल्थवे इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्थवे है, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में किया गया था। 23 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड और ORR पर स्थित है, जो मुख्य कैरिजवे और सर्विस सड़क के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91 वर्षगांठ कहाँ मनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर 91 वर्षगांठ प्रयागराज में मनाई। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी 91 वर्षगांठ मनाई। जो समारोह में भारतीय वायुसेना की क्षमता और राष्ट्रीय रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बरौली में एक औपचारिक परेड शामिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए, इसका करेक्ट आंसर है भारत की क्षमता स्थापित करें। 4 चयनित अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में चालक दल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है? इसका करेक्ट आंसर 3 यात्रियों को अंदर रखे जाने की मॉड्यूलेशन योजना है। गगनयान मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने से पहले 3 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ही गोलाकार कक्ष में रखा जाएगा। दोस्तों, जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।